हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो और एक नई वीडियो में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आज मेरे पास एक 14 इंच का पैनल आया है जो इसका प्रॉब्लम है मदरबोर्ड का। तो इसमें क्या ख़राब है, ये रेगुलेटर 5 वोल्ट जो रेगुलेट करता है आईसी ख़राब है। तो मैं बिजली में लगा के एक बार दिखा देता हूँ प्रॉब्लम को। तो देख सकते हो इसका कोई पैनल में लाइट ही भी नहीं है, रेगुलेटर ख़राब है, खाली 12 वोल्ट आउटपुट कर रहा है। जो 5 वोल्ट रेगुलेट करके फिर 3.33 बनाता है, तो 5 वोल्ट ये रेगुलेट नहीं कर रहा है, तो आईसी ख़राब है। ये आईसी है इसका, देख सकते हो। तो मैं इसको निकाल दिया हूँ और इसकी जगह में ये यूनिवर्सल रेगुलेटर है। यूनिवर्सल जो इसमें इनपुट जाएगा ये 12 वोल्ट करीब जाएगा और आउटपुट निकलेगा ये यहाँ से। आप जंपर करके जितना बोल्ट आप निकालना चाहो उस हिसाब से निकाल सकते हो जंपर करके। तो मेरे को चाहिए 5 वोल्ट, तो मैं 5 वोल्ट में जंपर किया हूँ। और कहाँ लगाना है मैं दिखा देता हूँ। जो मदरबोर्ड है ये देख सकते हो, ये तो लगाना कहाँ पे है, जो जंपर है 5 वोल्ट का इसी में लगा देना है। इसी में लगाने से आपका टीवी चालू हो जाएगा, क्योंकि कहीं लिखा नहीं है कि 5 वोल्ट यहाँ पे देना है। तो इस हिसाब से जंपर है, अगर 3.3 वोल्ट नहीं आ रहा है तो यहाँ पे 3.3 वोल्ट का जो लेग है वो उसी में लगा दे सकते हो। तो वह इसी में लगाऊंगा। तो टीवी को पहले बंद कर लेते हैं, उसके बाद सोल्डरिंग कर देना है। और मैं इसमें यहाँ से 12 वोल्ट लिया हूँ, देख सकते हो यहाँ पे 12 लिखा है और इस साइड ग्राउंड है। तो इनपुट मैं 12 वोल्ट दिया हूँ और यहाँ से आउटपुट लिया हूँ 5 वोल्ट। तो मैं इसमें लगा दूंगा। तो देख सकते हो लगा दिया हूँ 5 वोल्ट। मैं इसमें टीवी को भी चालू करता हूँ फिर से, और यहाँ देख सकते हो लाइट आ गया है, स्टैंड बाई में है। अभी इसको रिलीज करते हैं स्टैंड बाई से। तो ये की है, देख सकते हो ब्लू लाइट ग्लो हो गया। अब स्क्रीन भी देखते हैं, तो स्क्रीन उल्टा है तो ब्लू स्क्रीन आ रहा है, इसका मतलब टीवी चालू है। फिर से एक बार स्टैंड वाइज से रिलीज़ करते हैं बंद करके। ये बंद हो गया फिर से, तो इसमें चालू करते हैं। देख सकते हो लाइट आ गया, थोड़ा सामने दिखा देता हूँ, पूरा ओके है टीवी। तो ये यूनिवर्सल रेगुलेटर ड्राइवर को आप लगा सकते हो कोई भी टीवी में। ये मार्केट में आपको 70-80 रुपए में मिल जाएगा आसानी से, इलेक्ट्रॉनिक शॉप में। ठीक है, तो लगाने का प्रोसेस एकदम से सिंपल है, कोई भी बंदा इससे लगा के अपने काम को सही तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी कोई रिपेयरिंग का वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो मिलते हैं और एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।